नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से 25 मार्च से देश में लॉकडाउन लगा। 2-2.5 महीने तक सब कुछ बंद रहा। दुकानें, मॉल, ऑफिस जब सब बंद हुआ तो कई लोगों की आमदनी रुक गई। दुकानें बंद होने से दुकानदारों की, ऑफिस बंद होने से नौकरी पेशा लोगों को सैलरी नहीं मिली। शहरों में नौकरी करने वाले अधिकांश लोग किराए के मकानों में रहते हैं। दुकानें किराए पर चलती हैं, छोटे से लेकर बड़े ऑफिस भी किराए के मकानों में ही चलते हैं। ऐसे में लॉकडाउन के बीच समस्या आई किराए के भुगतान की। अब कुछ ऐसी खबरें आई हैं कि मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट में नया क्लोज डलवा रहे हैं। अगर भविष्य में कभी किसी वजह से लॉकडाउन हुआ तो क्या करेंगे? इस तरह के रेंट एग्रीमेंट में किराएदारों को कम से कम कितना रेंट देना होगा? क्या किराए में छूट दी जा सकती है? क्या किराए को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है? इन सब का जिक्र है। इस तरह के नए एग्रीमेंट के क्या मायने हैं? इस एग्रीमेंट की जुडिशियल वैलिडिटी क्या है? इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। पहले जानते हैं कि रेंट एग्रीमेंट क्या होता है। दो लोग कानूनी तौर पर वैलिड किसी चीज के लिए समझौता करते हैं तो उसे एग्रीमेंट कहते हैं। रेंट एग्रीमेंट प्रॉपर्टी ओनर और किराएदार के बीच लिखित समझौता होता है। इसमें प्रॉपर्टी से जुड़े सभी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी का एड्रेस, टाइप, साइज, मंथली रेंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, प्रॉपर्टी किस पर्पस के लिए रेंट पर दी जा रही है, एग्रीमेंट का ड्यूरेशन क्या है। इन सभी टर्म्स एंड कंडीशंस पर लिखित में सब कुछ होता है। इस पर दोनों पक्ष सहमत होते हैं और अपने अपने साइन करते हैं। क्या रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही होता है? ज्यादातर लोग 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं। इससे ज्यादा समय का रेंट एग्रीमेंट बनवाने के लिए उसकी रजिस्ट्री करानी होती है। ये बड़ा खर्चीला काम है, इसीलिए जो है लोग उस खर्च को बचाने के लिए 11 महीने का ही रेंट बनाते हैं। हालांकि 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट एड्रेस प्रूफ के तौर पर वैलिड नहीं होता है, लेकिन रजिस्ट्री वाले रेंट एग्रीमेंट एक वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पर काम करते हैं क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेड होते हैं। ऑफिस, दुकान जैसे कमर्शियल प्रॉपर्टी के मामलों में रजिस्ट्री वाला एग्रीमेंट ही बनता है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही वकील विजय लक्ष्मी का कहना है कि अगर दो लोग आपसी सहमति से कोई एग्रीमेंट बना रहे हैं, उदाहरण के लिए अगर भविष्य में लॉकडाउन लगता है तो कम से कम किराया क्या होगा, ये दो लोगों के बीच का समझौता है। इस पर बात दोनों पक्ष सहमत हैं तभी साइन कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसा होता है तो दोनों पक्ष उस चीज के लिए रिलायबल है। विजय लक्ष्मी बताती है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी को ही ज्यादा फेवर कर रहा है तो इसे चुनौती दी जा सकती है। मान लीजिए कि प्रॉपर्टी ओनर अपने फेवर में क्लॉज जोड़ता जाए तो यह बायस्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर ये लगे कि एक पक्ष पर अत्याचार हो रहा है तो इसे चैलेंज किया जा सकता है। यहाँ पर कोर्ट में चैलेंज करने की बात हो रही है। दिल्ली के 30,000 कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट अभिषेक असवाल का कहना है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्ट की धारा 2C के तहत कानून द्वारा लागू नहीं किए जाने वाले समझौते को शून्य कहा जाता है, यानी इसकी कानूनी मान्यता नहीं होती है। कानून के अनुसार अगर दोनों पक्ष आपसी सहमति से कानून के दायरे में रहकर करार करते हैं तो उसे कानूनी रूप से संरक्षण प्राप्त होता है। उनका कहना है कि अगर एग्रीमेंट में लिखी हुई बातें निश्चित और साफ साफ लिखी हुई हैं तो उसे एग्रीमेंट को वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। दूसरी ओर अगर एग्रीमेंट में कुछ बातें ऐसी लिखी गई हैं जो कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है, या बातों को साफ साफ नहीं लिखा गया है, या लिखी गई बातों में अनिश्चितता है, तो इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। कुल मिलाकर बात यह है कि रेंट एग्रीमेंट प्रॉपर्टी ओनर और किराएदार के बीच का एक समझौता होता है जिसे दोनों पक्षों को मानना होता है। लॉकडाउन के बाद जो नए क्लॉज जोड़े जा रहे हैं उसमें यही है कि अगर इस तरीके की बातें भविष्य में होती हैं तो कम से कम कितना किराया देना होगा, ये अलग अलग प्रॉपर्टी ओनर अलग अलग चीजें तय कर रहे हैं। बाद में भविष्य में अगर किसी चीज को लेकर के दोनों पक्षों में विवाद होता है तो वो कोर्ट जा सकते हैं। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू।